हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सिनू भास्करन है और मैं मणिपाल हॉस्पिटल खराड़ी में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं बेसिकली नी रिप्लेसमेंट स्पेशलिटी में काम करता हूँ। आज का मैं आपको आपके साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने के बीच में जो डैमेज होता है कार्टिलेज के, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी नहीं है, टाइम के साथ होने वाला चेंज है अपने नेचुरल जो टिश्यूज है बॉडी में। डिजेनरेशन यानी वेयर एंड टेयर होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो कुशनिंग मटेरियल है दोनों हड्डी के बीच में कोई भी जॉइंट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब डैमेज हो जाता है उसका कुशनिंग इफेक्ट चला जाता है और उसके वजह से बोन का फ्रिक्शन शुरू होता है और इस वजह से जो पेन या डिफॉर्मिटी होता है उसका प्रॉब्लम्स जो है, जो इन्फ्लेमेशन होता है या पेन होता है जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आता है, सो दिस इज होल स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसके ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट्स को सर्जरी ही लगता है। अर्ली स्टेजेस में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम डेफिनेटली उनको मेडिसिन या फिजियोथेरेपी या ब्रेसेस जो रहते हैं, बेल्ट जो होते हैं, वो सब ट्राई कर सकते हैं पेशेंट्स में। कुछ पेशेंट्स में हम लोग जेल इंजेक्शंस या प्लाज्मा इंजेक्शंस का भी हमने ट्रायल किया हुआ है, काफ़ी सक्सेस रहते हैं, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टेज लगता है जब हम इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके ट्रीट कर सकते हैं ऑफकोर्स। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर पेशेंट्स को रिलीफ नहीं रहता है, पेशेंट को पेन है अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, जैसे बाथरूम तक जाना, डाइनिंग रूम तक जाना, ये सारे चीज़ें चैलेंजेस हो जाते हैं, तब हम लोग उनको सर्जिकल ऑप्शंस के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो सर्जरी में भी काफ़ी ऑप्शंस है। अर्ली स्टेजेस में हम की होल सर्जरी या आर्थ्रोस्कोपी का हम ट्राई कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में हम पार्शियल नहीं, यानी जस्ट घुटने का जिस एरिया में डैमेज हुआ है सिर्फ उस एरिया को कैप बिठा के ट्रीटमेंट करने का ट्राई करते हैं। एंड ऑफकोर्स अगेन जिसमें कम्प्लीट डैमेज है ऐसे पेशेंट्स में हम टोटल नी रिप्लेसमेंट या फुल नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन देते हैं।